हेलो फ्रेंड्स, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक क्लैट, ठीक है, एवरी डे वी फेस लॉट ऑफ फेलियर्स, ठीक है, नॉट जस्ट इन क्लैट बट इन लाइफ वी फेस लॉट ऑफ फेलियर्स, ठीक है. एंड देन देर आर टू काइंड ऑफ पीपल, वन इज टेकिंग दैट फेलियर इन अ राइट वे, अदर इज द पर्सन हु इग्नोर्स दैट फेलियर, ठीक है. तो दोस्तों, हम जब क्लैट की तैयारी करते हैं, हमें बहुत सारे फेलियर मिलते हैं और हम उसको इग्नोर करते हैं, और हमें नहीं पता चलता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन फेलियर को इग्नोर करने से हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्लासरूम में बैठे हो, क्लास में टीचर कुछ समझा रहे हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ नहीं आया, ठीक है. टीचर ने आपको समझाने की कोशिश करी, आपने उस समय पे आपको लगा कि ठीक है आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, एंड वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम राइट नाउ, ठीक है, हम बाद में देख लेंगे, ठीक है. जो बाद में देखने का अप्रोच है ना, वो हमारी एग्जाम के दौरान भी, मॉक के दौरान भी होता है कि एक लाइन जो बहुत कॉम्प्लेक्स लाइन आई, हमें समझ नहीं आई, ठीक है, हमें वो पूरा जो पैराग्राफ था उसका जिस्ट उस लाइन में लिखा था हमें समझ नहीं आया, एंड वी थिंक कि कोई नहीं, आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाकर हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और उसको हम सॉल्व कर देंगे. ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है. इनफैक्ट, ठीक है, हम एक मॉक देने बैठे हैं, मॉक में कुछ से ऐसे क्वेश्चन है जो हमें लगता है कि अरे ये हमसे नहीं बना, घर जाकर वापस देखा बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें लगता हमने सिल मिस्टेक कर दी, ठीक है. तो दोस्तों, ये जो फेलियर्स है, छोटे छोटे फेलियर्स है, उसको हम इग्नोर करते हैं, और वो इग्नोर करने की वजह से, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये छोटे 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 प्रॉब्लम्स इतने बड़े बन जाते हैं कि आफ्टर 3 or 4 months यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट देयर इज अ ह्यूज बैकलॉग, यू आर नॉट एबल टू कोप विद द काइंड ऑफ प्रेशर विच इज कमिंग टू यू, ठीक है. आपके सामने जिस तरीके के मॉक आ रहे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको हैंडल करने के काबिल नहीं बन पा रहे हो, ठीक है, एंड यू फील कि काम करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि इट इज सो टफ. बिल्कुल दोस्तों, ये जो टफ की फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि रोज जो छोटे छोटे फेलियर आते हैं, उन फेलियर को आप इग्नोर करते हैं, और इस फेलियर को इग्नोर करना इज क्रिएटिंग दैट बैकलॉग, और वो बैकलॉग इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि हम बाद में उसको कभी कवर नहीं कर पाते. और दोस्तों, इसी आज के इसी सेशन में, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि उसको हम ओवरकम कैसे करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए. दोस्तों, इस बात को समझते हैं कि अगर हम डेली फेलियर को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे जो छोटे छोटे फेलियर है, अगर हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो फेलियर हमें सक्सेस तक लेके जाते हैं. उन फेलियर्स को टूल की तरीके से यूज करना चाहिए, और वो टूल की तरीके से यूज करके, ठीक है, हम अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ठीक है. हमारा मकसद है कि उन फेलियर को एलिमिनेट करें, ठीक है. दोस्तों, अगर हम फॉर एग्जाम्पल ऐसे बात करें कि ये फेलियर आते कहां कहां से है, कैसी छोटी छोटी जगह से आते हैं, एक बताया मैंने, क्लासरूम के दौरान टीचर कुछ पढ़ा रहे थे, कुछ याद नहीं आया, या टीचर ने आपसे सवाल पूछा कि फलाने प्रेसिडेंट कौन है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, या रशिया में क्या हो रहा है, काइंड ऑफ स्टफ, एंड यू हैव रेड समवेयर, एंड इमीडिएटली यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, हाउ डू यू रिएक्ट, यू रिएक्ट, ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं रहता, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आप अपने आप को पुचकारते हो, यू आर टेलिंग योर सेल्फ कि ठीक है भाई, यह अजीब नाम है, यू आर नॉट रिमेंबरिंग इट, बट दैट्स नॉट गुड आइडिया, that is bad, that is you can say a bad thing training your brain ki yaar theek hai tere ko naam yaad nahi rehta na chalta hai to your brain thinks ki theek hai naam yaad nahi rehta koi panga nahi hai padhne ke time pe mere ko chalta hai you are not improving remember you are not training the muscles of your brain to recall that important thing at that right moment it is very important ठीक है. सिमिलरली बहुत बार मॉक में बहुत इजी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है, ठीक है, यू थिंक इट इज अ सिली मिस्टेक, ठीक है, और फिर आपको लगता है कि ठीक है भाई, मेरे से नहीं हुआ, है ना, बाद में हो गया, चलो मेरे को कुछ तो आता है, ठीक है. सम ऑफ द अदर वे यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई समथिंग विच यू कुडंट डू, रिमेंबर समथिंग विच यू कुडंट डू इज वॉट यू हैव टू डू टू गेट सक्सेस इन योर क्लैट. बिल्कुल सही सुना आपने, जो आप अपने मॉक में नहीं कर पाए, काश आप उसको सही तरीके से कर पाते तो आप अपने एक्चुअल एग्जाम में बड़ा स्कोर लाते. जो सक्सेसफुल बच्चा है ना, जिस बच्चे का EIR 1 आने वाला है या टॉप में बंदा आने वाला है, ठीक है, वो बंदा इस चीज का जरूर ध्यान रखता है कि भाई, है ना, ड्यूरिंग मॉक और ड्यूरिंग क्लासरूम, ठीक है, मुझे वो चीजें याद रहे. मैं अपने आपको यह पुचकारू नहीं कि ठीक है मेरे को चलता है, नहीं,
सो दोस्तों, हाउ कैन यू ओवरकम दिस फेल्योर? बहुत सिंपल सा रास्ता है दोस्तों, ये बहुत ही यू कैन से ट्रांसफॉर्मिंग सिनारियो बन सकता है आपके लिए, ठीक है, अगर आपने इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया तो. इन द नेक्स्ट 30 to 40 days यू विल ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम अ गाय हु इज गेटिंग 30-40 marks टू अ पर्सन हु इज गेटिंग 70+ marks. बिलीव मी, इट इज ट्रांसफॉर्मेशनल. फॉलो करिए इसको. क्या करना है? Whenever you are sitting in the classroom and you find failure, you are not able to recall something, you are not able to understand certain things, or when you are appearing for mock, you are not able to understand a line, you are not able to recall certain things. Remember, all these are your failures, and put those failures into your doubt diary. Create a doubt diary, write them. ठीक है, लिखिए उसको. Then what you do? You try and repeat those concepts. 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, तब तक आप रिपीट करें जब तक आप उससे बोरियत ना हो जाए. रिपीट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए. ठीक है, बिलीव मी, आपके जो छोटे छोटे फेल्योर है उसको अगर आपने कहीं पर लिखे और आपने उसको फॉलो किया, आपने उसको इंप्रूव किया, बिलीव मी दैट विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर योर स्किल्स, दैट विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर योर स्कोर इंप्रूवमेंट. दोस्तों, ये जो छोटे छोटे फेलियर होती है ना, वही हमें सक्सेसफुल बनाती है. दुनिया में जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी बढ़िया काम करते हैं, ठीक है, वो अपनी रोज छोटी छोटी गलतियों को सुधारते हैं और वो सुधारने के बाद ही वो लाइफ में इतना बड़ा काम कर पाते हैं. सिमिलरली यू विल बी इन अ पोजिशन टू गेट दैट वंडरफुल स्कोर अगर आपने अपने इन फेलियर्स को अपने कंट्रोल में लगा दिया. दोस्तों, बरसों से बहुत सारे स्टूडेंट्स इन ट्रांसफॉर्मेटिव मेथड्स को यूज करते हुए अपने स्कोर को बढ़ाते हैं. आप भी बढ़ा सकते हैं. आपको भी उस चीज का ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से इस मेथड को इंप्लीमेंट करें. बहुत बोरिंग मेथड है, सब लोग नहीं कर पाते हैं. सब लोगों का स्कोर थोड़ी आता है अच्छा रैंक वाला, ठीक है. अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए, आपको ये इंप्लीमेंट करना है, और ये इंप्लीमेंट करके अपने आप को दुनिया में बदला हुआ पर्सन बनाना है. ठीक है, लोगों को दिखाना है कि यस आई कैन डू इट, दैट इज व्हाट यू हैव टू शो. ठीक है, ये मेंटल मेकअप है. इसी तरीके से ट्रेनिंग करोगे तो आप शॉर्ट शॉर्ट वे में अपनी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे. ठीक है, कि आप यू कैन से 30-40 दिनों के बाद वापस इस वीडियो पे आएंगे और बिल्कुल कमेंट लिखेंगे कि यस सर आई हैव सीन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन मी एंड मैंने अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव देखा. दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड टेल टू लास्ट नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.